वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे हमारे जो चैप्टर नंबर 10 है कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। उस चैप्टर में हमने अब तक जाना कि कितने प्रकार के कूड़ेदान होते हैं। तीन प्रकार के कूड़ेदान होते हैं, एक होता है नीला। रंग के आधार पर हम तीन प्रकार के कूड़ेदान देखते हैं, एक होता है हरा कूड़ेदान, एक होता है नीला कूड़ेदान और एक होता है काला कूड़ेदान। तो हर एक कूड़ेदान का अलग अलग उपयोग है। हमने पिछली क्लास में जाना था कि जो हरा कूड़ेदान है वो किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो भी नष्ट होने वाली चीज़ें हैं जैसे केले का छिलका हमने डाल दिया तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं हरा कूड़ेदान। उसके अलावा नीले कूड़ेदान की बात करें तो नीले में जो नष्ट नहीं होने वाला कचरा है ना, जैसे प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैं, प्लास्टिक को आप कहीं भी डालोगे या उससे बनी हुई चीज़ों को डालोगे तो वो बहुत जल्दी नष्ट नहीं होती, ज़मीन के अंदर पड़ी रहती हैं कई कई सालों तक। तो इसीलिए आजकल पॉलीथीन को बैन किया जा रहा है। हम जैसे सब्जी लाने के लिए भी एक जो कपड़े से बना हुआ थैला रहता है उसका इस्तेमाल करते हैं या फिर कागज़ से बने थैले का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉलीथीन है अगर वो ज़मीन में डाल दी जाती है तो वो कई सालों तक ख़राब नहीं होती, पड़ी रहती है उसी तरह से जैसे उसको डाला गया था। तो ऐसे कचरे को डालने के लिए नीला जो कूड़ेदान है वो प्रयोग में लेंगे और काले वाला कूड़ेदान है उसका प्रयोग हम करेंगे जो जीवाणु होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले जो भी चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं सिरिंज होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं या फिर पट्टियाँ होती हैं या फिर किसी भी सर्जरी के बाद कचरा बचता है, इलाज के बाद कचरा बचता है, तो ऐसा जो कचरा है जीवाणु फैलाने वाला, रोग फैलाने वाला, उस तरह के कचरे को डालने के लिए ब्लैक डस्टबिन का यूज़ करेंगे। तो तीन तरह के डस्टबिन और उनके तीनों के अलग अलग यूज़ हमने देख लिए पिछली क्लास में। उसका कुछ जो पार्ट बच रहा है इस चैप्टर का वो आज हम आज की क्लास में करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 है कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी, यानी कि कूड़ेदान खुद अपनी बातें बता रहा है कि मेरा किस तरह से उपयोग करना चाहिए, मेरे किस रंग का किस चीज़ में उपयोग करना चाहिए, मेरे उपयोग के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं, हमारा जहाँ तक हो चुका था चैप्टर उससे आगे। चैप्टर 10 में हमने अब तक कंप्लीट कर लिया था पेज नंबर 52 पर, ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उससे जस्ट नीचे, मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं। मेरा से मतलब हरे वाला जो कूड़ेदान है उसका उपयोग आप ऐसे कचरा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट होता है, जैसे सब्जी होता है, फल होते हैं, उनके छिलके होते हैं जो कि एक टाइम बाद में पड़े पड़े नष्ट हो जाते हैं डिब्बे में। तो ऐसे कचरे के लिए हम कौन सा कूड़ेदान यूज कर सकते हैं? हरे वाला कूड़ेदान। आपको एक बात बताऊँ, हरा कूड़ादान क्या कह रहा है, आपको एक बात बताऊँ, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। हरा कूड़ेदान क्या कह रहा है कि जब भी आप मेरा उपयोग करते हैं तो मेरे को खुशी मिलती है, मेरे को अच्छा लगता है कि मेरा आपने उपयोग किया। परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। हरा कूड़ेदान कह रहा है कि जब आप मेरा उपयोग करते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जो कचरा आता है उसको इधर उधर फेंक देते हैं तो उनको देख करके मेरे को बहुत बुरा लगता है और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उनको हमेशा मेरा उपयोग करना चाहिए और मेरे सामने कचरा कहीं और डालने के बजाय मेरे अंदर कचरा डालना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में ना ला करके आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं? कूड़ेदान क्या कह रहा है कि अगर आप मेरा उपयोग नहीं करेंगे तो आप गंदगी कर रहे हैं और गंदगी करेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे पॉलीथीन आप ज़मीन में फेंक रहे हैं तो उससे अगर किसी जानवर ने पॉलीथीन खा ली तो उसकी मृत्यु हो सकती है क्योंकि उसके हाथों में जाकर के वो पॉलीथीन चिपक जाती है, उसके बाद थोड़े समय बाद वो जो जानवर है वो मर जाता है, तो आप वो एक नुकसान कर रहे हैं। अगर आप हॉस्पिटल से निकला हुआ जो कचरा है अगर उसको आप रोड पे फेंकते हैं या कहीं बाहर फेंकते हैं तो उससे जीवाणु कीटाणु ये हो जाते हैं और उनकी वजह से आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा सूखा कचरा भी जो है अगर वो भी आप रोड पर फेंकेंगे, जैसे मान लीजिए केले के छिलके आप कूड़ेदान में डालने की बजाय आपने रोड साइड डाल दिए तो वहाँ कोई साधन अगर उस पर से निकलता है या फिर कोई आदमी चलते हुए उस पर से निकलता है तो हो सकता है वो उस पर फिसल करके गिर जाए, तो वो भी आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। भाई अपने का मतलब ये है कि मनुष्य मनुष्य का नुकसान कर रहा है,
मैंने कचरा डाला तो हो सकता है मैं गिर जाऊं या मेरा कोई जानकार या फिर कोई भी मनुष्य जो वहाँ से गुजर रहा है वो गिर जाए, तो आप नुकसान कर रहे हैं। तो कूड़ेदान क्या कह रहा है कि अगर आप मेरा उपयोग नहीं करेंगे तो आप अपना स्वयं का नुकसान करेंगे। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी, गंदगी से हैजा, पैचिस और डेंगू जैसे भयंकर रोग फैलते हैं। हैजा, दस्त लग जाते हैं, पैचिस, उसके अलावा डेंगू, कई तरह की जो बुखारें होती हैं, कई तरह के मच्छर इनमें जो पैदा हो जाते हैं उनकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां आपको हो जाएंगी अगर आप मेरा उपयोग नहीं करेंगे और जो भी कचरा है अगर आप वो रोड पर फैलाते हैं। यह सच है कि समाज स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सब भी सुख बेकार। बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर आपके पेट दर्द हो रहा है, बुखार हो रही है, तो आपको कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा, कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगेगा, किसी के साथ घूमना अच्छा नहीं लगेगा। तो सब चीज़ें, आपका पैसा जो है वो आपके स्वास्थ्य के बिना बेकार है। चाहे आपके पास कितना ही पैसा है लेकिन अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता। अगर आप बीमार हैं ना तो कोई भी काम नहीं कर सकते आप। जैसे मैं पढ़ा नहीं सकता अगर मैं बीमार हूँ, आप पढ़ेंगे नहीं घर पे अगर आप बीमार हैं। आपने देखा भी होगा जब आपको बुखार होती है तो आप मेरी क्लास नहीं ले पाते या किसी भी सर की क्लास नहीं ले पाते, विद्यालय नहीं जा पाते या ऑनलाइन क्लास भी आप घर पर बैठ कर भी नहीं ले सकते। अगर आपको बुखार हो रहा है, आपको और कोई दिक्कत हो रही है स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप उस समय क्लास नहीं ले सकते। तो इस वजह से अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपके लिए संसार के सारे सुख बेकार हैं, कोई भी सुख आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। आप देखते हैं ना, जिस बच्चे को बुखार हो रही है, जुखाम हो रही है, इवन जुखाम भी जिसको हो जाता है ना क्लास में, तो आप उससे अगर बात करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। चिड़चिड़े का मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है उसको, साथ में जो दोस्त बैठते हैं उन पर भी गुस्सा करता है और सारे दिन मतलब एक गंभीर सा अलग सा बैठा रहेगा। तो क्या है, इससे आपका स्वभाव, आपके खराब स्वास्थ्य से आपका स्वभाव भी खराब हो जाता है। अगर आपके पेट में दिक्कत रहती है, आपका पेट दर्द करता रहता है, तो आप अगर कहीं काम भी कर रहे हैं, पिताजी मान लीजिए या अपने घर में बड़े जो भी हैं, अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो वो अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत है। आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, हर किसी से लड़ने के लिए, हर किसी पर गुस्सा करेंगे। तो वो कब होता है, जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। और वो स्वास्थ्य कब खराब हो जाएगा, अगर आप कूड़ेदान का प्रयोग नहीं करेंगे, आप जो कचरा है वो रोड पर फेंकेंगे और जो भी सिरिंज वगैरह है वो भी आप यूज करने के बाद डस्टबिन में नहीं डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। केवल जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसके कोई बीमारी नहीं है, वही सारे सुख का आनंद अपने जीवन में ले सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा उपयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। कूड़ेदान क्या कह रहा है कि अगर आप कूड़ा कचरा डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा उपयोग नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य को इस तरह की हानि हो सकती है जो कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए गंभीर होगी। तो हमेशा ध्यान रखें, मेरा अधिक से अधिक उपयोग करें। जब भी आप कोई चीज़, छोटे बच्चों के ध्यान रखने की बात है, एक बार मैं इस पाठ के बाद आपसे बात करूंगा कि इस पूरे पाठ से हमें क्या सीखने को मिला है। स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। गंदगी से फैले बीमारी, स्वच्छता की आई अब बारी। आओ बीमारियां भगाएं सारी, जिंदगी नो निरोग बनाएं हमारी। लास्ट अंत में कूड़ेदान एक संदेश दे रहा है अपने को कि स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। गंदगी से फैले बीमारी, स्वच्छता की आई अब बारी। आओ बीमारियां भगाएं सारी, जिंदगी निरोग बनाएं हमारी। एक संदेश दे रहा है अंत में कूड़ेदान कि हमें कूड़ेदान का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, स्वच्छता से रहना चाहिए और जो जितनी भी बीमारियां हैं उनको हमारे से दूर भगाना चाहिए। तो इस पाठ में कूड़ेदान की कहानी, अपनी जुबानी जो पाठ है उसमें अपने को शिक्षा क्या मिली है कि हमें अपने दैनिक जीवन में, छोटे बच्चे आप स्पेशल ध्यान रखो बेटा, आप सीखोगे तभी आप बड़ों को बता पाओगे।
अगर आपको कहीं भी कोई दिख रहा है, रोड पे आप चल रहे हैं और आपको कोई दिखता है कचरा करते हुए, या छिलका रोड पर डाल रहा है, प्लास्टिक का कोई सामान, बोतल यूज़ करने के बाद गाड़ी से बाहर कहीं फेंक देते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनका विरोध करो। डरने की बात नहीं है बेटा, कोई भी आपको नुकसान नहीं कर सकता। वहाँ जो भी है, जैसे मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं बाय द वे, और आपने देखा कि कोई व्यक्ति खाने के बाद छिलका जो है वो डस्टबिन सामने होते हुए भी रोड पर डाल रहा है, तो आप उनको कह सकते हैं कि सर प्लीज़, पोलाइटली बोलेंगे लेकिन गुस्से से नहीं, कि सर प्लीज़ आप अपना जो कचरा है, हमारे शहर को आप गंदा कर रहे हैं, आप अपने शहर को गंदा कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो भी कचरा है ना वो आप उठा करके डस्टबिन में डालो। फिर भी अगर वो नहीं डालते हैं तो आप बेटा, आपको चाहिए कि आप उनके सामने कचरा उठा करके डाल देंगे, तो उनको इस चीज़ की शर्म आएगी और नेक्स्ट टाइम वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो कचरा जो है वो डस्टबिन में डालें। तो छोटे बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है। घर में भी अगर आपको लगता है ना कि मम्मी पापा या कोई भी आपके साथ में आपके परिवार का सदस्य चल रहा है और उसने भी अगर गंदगी की है, तो आप विरोध कर सकते हैं कि पापा या मम्मी आप इस तरह से कचरा नहीं कर सकते, आप हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको आज तो पता भी चल गया ना कि 3 तरह के कूड़ेदान हैं, तो आप अपने मम्मी पापा को या अपने जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको गाइड भी कर सकते हैं। सबको पता नहीं होता है कौन से कूड़ेदान का क्या उपयोग करना है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि पापा जो कचरा है उसके हिसाब से आप कूड़ेदान सेलेक्ट करो और उसके हिसाब से कचरा डालो। इस तरह से आप किसी भी कूड़ेदान में कोई सा भी कचरा नहीं डाल सकते। तो उनको समझाओ, ये अपने छोटे बच्चों का भी काम है, आपका भी काम है। बड़ों को भी ये संदेश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन का उपयोग करो, किसी भी प्रकार का कचरा ऐसे स्थान पर मत फैलाओ जिसकी वजह से आपका शहर, आपकी गलियाँ, आपका मोहल्ला, आपका गाँव गंदा हो और जिसकी वजह से आपके व आपके पड़ोसियों को या आपके समाज को बीमारियों का सामना करना पड़े। ठीक है, तो इसी संदेश के साथ हम आज की जो क्लास है वो समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इस पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।